नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 3 बजे तक की खबरों में क्या रहा, देखेंगे इस बुलेटिन में। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले सेनेट इलेक्शन के लिए फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज के लिए अभिलाषा अग्रवाल और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए दिनेश यादव ने आज ढोल नगारों के साथ भव्य तौर पर अपना नामांकन भरा। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में सेनेट के इलेक्शन नज़दीक है, जिसके लिए उम्मीदवारों के फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू करवा दिया गया है। ऐसे में फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज के लिए बीआरजी ग्रुप के अभिलाषा अग्रवाल ने नामांकन भरवाया है, जबकि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए दिनेश यादव ने नामांकन भरवाया है। बीआरजी ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल पर फाउंडर चेयरमैन बकुलेश गुप्ता जी की प्रतिमा पर फूलहार अर्पण कर उनसे आशीर्वाद लेकर एक रैली का आयोजन किया गया, जिसके बाद श्री कृष्ण हिंदी विद्यालय पर बीआरजी ग्रुप के अभिलाषा अग्रवाल और दिनेश यादव ने संयुक्त रैली का आयोजन किया और ये संयुक्त रैली महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर पहुंची, जहां पर ढोल नगारे और भव्य समर्थन के साथ फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के लिए अभिलाषा अग्रवाल और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए दिनेश यादव ने अपना नामांकन भरा। इस मौके पर बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा और छानी के डायरेक्टर अपेक्षा पटेल, भारतीय जनता पार्टी के खेलकूद सेल के सदस्य और बीआरजी ग्रुप के स्पोर्ट्स डायरेक्टर अर्जुन सिंह मकवाणा, एडमिन डायरेक्टर वीरल शाह और बीआरजी ग्रुप संचालित सभी स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षक बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। वैसे आपको ये भी बता दें कि फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के लिए अभिलाषा अग्रवाल और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए दिनेश यादव, इन दोनों ने अपनी दूसरी टर्म के लिए उम्मीदवारी फॉर्म भरा है। આપણી જે વિશ્વવિખ્યાત મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના ફેમિલી એન્ડ કમ્યુનિટી સાયન્સીસ જે ફેકલ્ટી છે, ત્યાંથી લાસ્ટ ટાઈમ પણ મેં સેનેટનું ઇલેક્શન લડ્યું હતું, જીત્યા હતા, અને આ વખતે પણ એ જ ફેકલ્ટીમાંથી આપણે ફોર્મ ભરી રહ્યા છે અને મને પૂરી ઉમેદ છે કે આપણે સારી રીતે જીતીશું અને વિદ્યાર્થીઓના જેટલા પણ પ્રશ્નો હશે એનો સારી રીતે ઉકેલ લાવીશું। મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં સતત આ 5મી વખત હું સેનેટની ચૂંટણીનું ફોર્મ ભરવા આજે આવ્યો છું। ચાર ટર્મથી હું ચૂંટાતો આવ્યો છું, 2 ટર્મે પોતે મારો હાઈએસ્ટ વોટે જીતવાનો રેકોર્ડ છે અને 2 ટર્મ બિનહરીફ વિજેતા જાહેર થયો છું। આ વખતે 5મી વખત હું આ સેનેટની ચૂંટણીનું ફોર્મ ભરવા આજે અહીંયા હેડ ઓફિસ આવ્યો। शहर में सामूहिक बलात्कार और आत्महत्या का जो केस चल रहा है, उस मामले में पुलिस की कई टीमों की ओर से लगातार तहकीकात जारी है। इस मामले में पुलिस की टीमों की ओर से कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा चुके हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को दिखाई दिया था कि पीड़िता एक साइकिल लेकर जा रही थी, उस दौरान रिक्शा चालकों ने उसे टक्कर दे दी थी, जिसके बाद पीड़िता के साथ ये सारी घटना घटी थी। ऐसे में पुलिस की ओर से बीते कई वक्त से उस साइकिल को ढूंढा जा रहा था, जो अब आखिरकार पुलिस को मिल गई है। दरअसल वहां पर रहने वाले एक वॉचमैन महेश राठवा के घर के पास से पुलिस को ये साइकिल बरामद हुई है। दरअसल ये वॉचमैन भी बीते कई दिनों से गायब था और पुलिस इसे भी ढूंढ रही थी। ऐसे में जब पुलिस तहकीकात करते हुए महेश राठवा के घर पहुंची, तब पेड़ के नीचे ढेर में पुलिस को ये साइकिल मिली और इस मामले में पुलिस की ओर से महेश राठवा को इस वक्त पूछताछ के लिए ले जाया गया है, जबकि साइकिल पुलिस की ओर से बरामद कर ली गई है। वैसे इस पूरे मामले को लेकर जब बीआरजी न्यूज़ की टीम ने महेश राठवा की पत्नी से बात करने की कोशिश की, तब उनकी ओर से ये बताया गया कि उन्हें नहीं पता था कि ये साइकिल पीड़िता की है, वो तो बस साइकिल वहाँ पर पड़ी थी इसीलिए इस साइकिल को घर ले आए थे। वैसे इस मामले को लेकर पुलिस की ओर से तो महेश राठवा से पूछताछ की जा रही है और आगे का सच तो तहकीकात में ही पता चल पाएगा। बेन तुम्हारा नाम
મોનીબેન. તમારા પતિનું નામ શું? મહેશભાઈ. તો મહેશભાઈ પાસેથી પીડિતાને સાયકલ મળી આવી, તમને ખ્યાલ છે ને? હા ખ્યાલ છે, એ તો અમને ખબર નહીં કે પીડિતાની સાયકલ છે, એવું ખબર નહીં. અજાનમાં એ લઈ આવ્યા હતા સાયકલ ફેરવવા માટે. ક્યાંથી લાદન ઘરે? એમને શું કીધું કે સાયકલ ક્યાંથી લાવ્યા છો? હા તે કીધું હતું ને, ત્યાં પડી નહોતી પાછળ. મેં બી જોઈ હતી, મેં તો ગઈ હતી ટિફિન આપવા, સાંજે ગઈ તો સાયકલ ત્યાં પડી નહોતી. જોઈ લી મેં બી સાયકલ ત્યાં, તે સાયકલ એ લઈ આવેલા સવારે. કે કોની, કોઈ નહીં લઈ જતું તો મેં લઈ જાઉં, છોકરીઓ ફેરવશે એવી કરીને લઈ આવ્યા હતા. આ વાત અમને ખબર નહીં કે આ છોકરીની સાયકલ હશે, એવું હોય તો અમે કેમ લાવીએ? ગુનામાં ખાલી ખોટા કેમ પડીએ સર? તમારા પતિ એમના ક્યાં છે? એ તો પોલીસ લઈ ગઈ ને કાલે. હા, પૂછપરછ કરો. પોલીસે તમને કંઈ કીધું છે? તમારે તપાસ કરી કે પૂછપરછ કરી તમારે? હા, મારી પૂછપરછ બધી કરી લઈ ગયા. તમારા પતિ નોકરી કઈ જગ્યાએ? એ આ જગદીશ ફરસાણે પાછળ એની વતની ગલીમાં. जूनागढ़ के केशोद की सामाजिक संस्था आज़ाद क्लब की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें केशोद के लोगों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया. केशोद में आज़ाद क्लब नाम की एक सामाजिक संस्था कार्यरत है, जो बीते कई सालों से केशोद के युवाओं को खेलकूद के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करवाती आ रही है और साथ ही अन्य कई सामाजिक कार्य भी करती आ रही है. ऐसे में अब तक जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन के डोज ना लिए हो, उन सभी के लिए आज़ाद क्लब की ओर से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 80 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन के डोज दिए गए. इस मौके पर आज़ाद क्लब के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और केशोद के लोगों ने भी हिस्सा लेकर इस वैक्सीनेशन कैंप को सफल बनाया. आरोग्य कचेरी द्वारा कोविशील्ड नो वैक्सीन नो कैंप આઝાદ ક્લબ ખાતે સાંજના 7-9 કલાક દરમિયાન રાખવામાં આવેલો, જેમાં ઘણા બધા લોકોએ આ કેમ્પમાં રસીનો લાભ લીધો છે. જય હિન્દ, જય ભારત. जूनागढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से चाणक्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की उपस्थिति रही. जूनागढ़ के गिरनार स्कूल पर राष्ट्रीय स्वाधीनता अमृत पर्व को मनाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से चाणक्य सम्मेलन आयोजित किया गया. दरअसल इस सम्मेलन को आयोजित करने का आशय लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने का रहा. देश की आज़ादी के लिए कई शहीदों ने कुर्बानी दी है, ऐसे में इन सभी वीर शहीदों को याद करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था. इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर विशाल भाई जोशी उपस्थित रहे थे, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर इस सम्मेलन के दौरान परम पूज्य मुक्तानंद बापू चापड़ा मौजूद रहे. इसके साथ ही इस सम्मेलन के दौरान कई पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.